गाइस फाइनली हम लोग निवारी पहुंच गए हैं और गाड़ी हमने यहां पर मतलब पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं हम देवी जी के दर्शन को। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ राहुल भाई हैं और अच्छा लग रहा है नज़ारा, मतलब रात में अच्छा लग रहा है और इस साइड मतलब लाइट माइट जल रहे हैं। अंदर जाके बताते हैं कैसा सिस्टम है। तो चलो राहुल भाई अंदर। तो गाइस अंदर जा रहे हैं, ये राहुल भाई हैं चप्पल। गाइस ऐसा कुछ नज़ारा मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ माता रानी का पंडाल शानदार सजा हुआ है, मतलब अच्छी लाइटिंग से सजावट हुई है और अभी हम पास जाकर देखने वाले हैं। ये जो माता रानी की मूर्तियां हैं ये इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पर गोला घूमेंगी, राउंड लेंगी, तो वो भी गाइस हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यही है ग्राम निवारी की देवी जियों की मूर्ति और ये इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पर गोला घूम रही हैं, मतलब राउंड ले रही हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है ये यहीं के छात्रों ने, आईटीआई छात्रों ने बिल्कुल निःशुल्क में बनाई हैं, मतलब रेलगाड़ी का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। और ये जो मूर्ति है, मतलब ये जो प्रतिमाएँ हैं 9 की 9, ये भी मतलब निःशुल्क बनाई गई हैं, इनका भी कोई शुल्क नहीं लिया गया, ये भी यहाँ के छात्रों ने बनाई है। और यह एक नवयुवक पंडाल है, मतलब नवयुवकों का पंडाल है, उन्हीं ने यह व्यवस्था देखी है। अभी हम आपकी बात भी कराएंगे सबसे और पहले आप देवी जी देख लो। गाइस यहाँ पर एक और मंदिर है जहाँ राम भगवान और सीता मैया और सभी देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है और गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई है और ऐसा कुछ यहाँ का सीन है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पंडाल के नवयुवकों से। तो गाइस देवी जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और भैया मतलब यहाँ पर हमको मिले हैं, इन्हीं ने मतलब ये सब कुछ देखते हैं, यहाँ की देख रेख करते हैं और इन्हीं के दोस्त लोगों ने किसी ने मूर्तियाँ बनाई थी और मूर्तियों का गाइस कुछ भी पैसा नहीं लिया, मतलब यहाँ की जितनी भी ये 9 मूर्तियाँ इनका पैसा नहीं लिया गया है, मतलब मुफ्त में ये बनी गई हैं। तो बता सकते मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर रेलगाड़ी चल रही है वो ITI छात्रों द्वारा चलाई जा रही है, बिल्कुल मारे नस्ल को 1 रुपये नहीं लिया जा रहा और 2019 में भी हो गया है और हमारे ग्राम में बिल्कुल माने 50 साल से बिल्कुल नस्ल को देवी जी बन गए। तो गाइस भैया हमारे साथ में जा रहे हैं और भी कुछ कुछ मतलब बताएंगे कि कैसा क्या सिस्टम है। तो भैया यहाँ के बारे में बता रहे हैं हमको, ये राहुल भैया के ब्लॉग में बता रहे हैं मतलब, और मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, चल रहे हैं गाइस हम। गाइस हम लोगों ने फाइनली देवी जी के दर्शन कर लिए हैं, मतलब देवी जी अच्छी लगी हमको और बहुत अच्छा, मतलब आजू बाजू का सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छा था। अब घर की तरफ निकल रहे हैं गाइस क्योंकि घर की मतलब आरती मारती सब कुछ करना रहता है, तो घर की तरफ निकल रहे हैं हम दोनों गाइस और मतलब अगले ब्लॉग में भी अच्छा बताएंगे आपको कुछ कुछ। तो चलें और भाई घर की तरफ चलो। तो गाइस हम गाँव आ चुके हैं, मतलब 7:30 कुछ बज गए हैं, यहाँ पर आके हम लोग फल्ली खा रहे हैं तली हुई और साइड में भी मतलब देवी जी की यहाँ पर मतलब और मूर्तियाँ रखी हैं देवी जी की, तो वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, चलते चलो। तो ये है गाइस ग्राम आमगाँव बड़ा की देवी जी, कुछ ऐसी मतलब शानदार नीली लाइटिंगों से यहाँ का पंडाल सजा हुआ है और शेर पे माता जी बैठी हैं और पीछे शंकर भगवान और गणेश भगवान और नन्नी जी भी हैं और यहाँ का पंडाल भी मतलब बहुत अच्छा सजा हुआ है नीली लाइटिंगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।